देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। मैं हूं मेघा सिंह। हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहे जाने वाली श्रीदेवी का 24 फरवरी को निधन हो गया था। आज 4 साल के बाद श्रीदेवी को उनके निधन के लिए याद किया जा रहा है। 4 साल पहले जब श्रीदेवी का निधन की खबर आई थी तो लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। 54 साल की उम्र में श्रीदेवी ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके अचानक से चले जाने से फैंस को गहरा सदमा लगा था। श्रीदेवी के जाने के बाद से परिवार तो एकदम बिखर सा गया था। शायद ही कोई पल होगा जब बोनी कपूर और उनकी दो बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर श्रीदेवी को याद ना करती हो। 4 साल की इस निधन पर जो श्रीदेवी की छोटी बेटी है खुशी कपूर ने माँ श्रीदेवी को याद करते हुए भावुक हो गई और उनके साथ ही अपने बचपन की एक तस्वीर जो अनदेखी तस्वीर है वो इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर भी फैंस श्रीदेवी को याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रीदेवी की 24 फरवरी 2018 को अचानक ही निधन हो गया था। उस वक्त श्रीदेवी पति बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने दुबई गई थी, लेकिन वहीं पर उनका कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था। शादी में बोनी कपूर, बेटी खुशी कपूर भी शामिल थे। हालांकि उस वक्त बोनी कपूर और खुशी कपूर वापस मुंबई लौट आए थे और श्रीदेवी वहीं दुबई में रुक गई थी। एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने बताया कि वह श्रीदेवी को वापस दुबई पहुंचकर सरप्राइज देना चाहते थे। वहीं जानवी भी जल्द से जल्द दुबई पहुंचकर अपनी मां को सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि श्रीदेवी को अकेले रहने की आदत नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि बोनी कपूर और जानवी कपूर श्रीदेवी के पास पहुंचते, उनका निधन हो चुका था और उनकी निधन की खबरें परिवार तक आ गई थी। आज भी परिवार और फैंस श्रीदेवी को जाने से उभरे नहीं है। बता दें कि श्रीदेवी की दोनों बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर अब बॉलीवुड में आ चुकी है। एक खबर के मुताबिक खुशी कपूर भी अब जोया अख्तर की एक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।